वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। Hey friends, क्या आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, हाई इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट्स जैसे चैलेंजेस के बावजूद भी इंडियन इक्विटी मार्केट्स पिछले एक साल में काफी रेजिलियंट रहे हैं, यानी कि कोप अप कर पाए हैं। ऑल्सो सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में से स्मॉल कैप फंड्स स्टेलर परफॉर्मर्स में से एक की तरह उभर के आया है। नवंबर 13, 2023 को BSE स्मॉल कैप इंडेक्स ने दूसरा ऑल टाइम हाई हिट किया एट 38,915.76। इनके मार्केट बीटिंग रिटर्न्स ने इन्वेस्टर्स को हो सकता है एक्साइटेड कर दिया हो। हाउएवर, आपको एक बात माइंड में रखनी चाहिए कि बड़े रिटर्न्स बड़े रिस्क के साथ आते हैं। वेल, आज का डिस्कशन है स्मॉल कैप फंड्स पे। आज के इस वीडियो में हम स्मॉल कैप फंड्स के बारे में और ज्यादा लर्न करने वाले हैं और हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या स्मॉल कैप फंड्स में अभी इन्वेस्ट करना राइट डिसीजन है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा सो दैट जैसे ही हम एक फ्रेश इंफॉर्मेशनल वीडियो ड्रॉप करें आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं समझने से कि स्मॉल कैप फंड्स का मतलब क्या होता है। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी टॉप कंपनीज की एक लिस्ट देता है और साथ ही अलग अलग काइंड ऑफ फंड्स के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के नॉर्म्स भी। लाइक वो लिस्टेड कंपनीज जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 250th पोजीशन के बाद रैंक्ड है ना, उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज के तौर पर कैटेगराइज किया जाता है। सेबी रूल्स के हिसाब से स्मॉल कैप फंड्स को अपने टोटल असेट्स का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। तो अब जब आप समझ चुके हैं कि आखिर स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंड्स इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को अफेक्ट कैसे करते हैं। पर इसके पहले कि हम वहां तक पहुंचे, लेट्स हैव एन आइडिया कि आखिर इधर बीच इन्वेस्टर्स का स्मॉल कैप फंड्स की तरफ क्या एटीट्यूड है। तो सितंबर 2023 में स्मॉल कैप फंड्स में हुए नेट इनफ्लोस के क्वांटम ने एक गिरावट देखी, अगर इसे कंपेयर करें पहले के मंथ से। तो इवन दो पूरे इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात करें तो उनमें ये फिर भी नेट इनफ्लोस के मामले में हाईएस्ट रेसिपिएंट ही था। फॉर एग्जांपल, सितंबर 2023 में स्मॉल कैप फंड्स में हुए नेट इनफ्लोस 37% से डाउन थे। ये था एट रुपीज 2,678.47 करोड़। आप स्क्रीन पे दूसरे मंथ्स के स्मॉल कैप फंड इनफ्लोस को देख सकते हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स कैटेगरी के नेट फ्लोस में हुआ ये डिप हो सकता है इस वजह से हो क्योंकि स्मॉल कैप स्पेस में इन्फ्लेटेड यानी कि बढ़ी हुई वैल्यूएशंस को लेकर के इन्वेस्टर्स कंसर्न्ड थे और उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए, इस वजह से ये डिप आया। अक्टूबर में स्मॉल कैप फंड्स ने रुपीज 4,495 करोड़ के इनफ्लोज रजिस्टर किए। इसे कंपेयर करें सितंबर से तो तब था रुपीज 2,678 करोड़। इससे साफ रिफ्लेक्ट होता है कि स्मॉलर कंपनीज में फिर से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है। तो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड हाउसेस किस तरीके से उनके स्मॉल कैप फंड स्कीम्स को आखिर देख रहे हैं। तो कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के फंड मैनेजर्स ने उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक के नंबर्स को बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई स्मॉल कैप स्टॉक्स के रिच वैल्यूएशंस ने इन फंड मैनेजर्स को ऐसा करने के लिए यानी कि पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को और बड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो कि स्मॉल कैप स्पेस में लार्जेस्ट स्कीम है, जिसका एज ऑफ 30th सितंबर 2023 रुपीज 37,319.33 करोड़ का एसेट है। इसके पोर्टफोलियो में 194 स्टॉक्स हैं। कंपेयर करें एक साल पहले के सिनेरियो से तो तब थे 148 स्टॉक्स। नेक्स्ट, क्वांटा स्मॉल कैप फंड ने एक साल में अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स में एक इंक्रीज देखा है। ये 58 था और अब 82 हो गया है। वहीं HDFC स्मॉल कैप फंड ने भी लास्ट ईयर से पोर्टफोलियो में स्टॉक्स में राइज देखा है, जो 66 से 77 हो गया है। तो स्मॉल कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स को आखिर बढ़ा क्यों रहे हैं, सवाल तो ये है।
देखिए ऐसा स्मॉल कैप मार्केट सेगमेंट में लिक्विडिटी के इश्यूज की वजह से है। समझाती हूँ। सपोज ये एक 10,000 करोड़ का स्मॉल कैप फंड है, ये किसी स्मॉल कैप कंपनी में 2% का एलोकेशन लेता है। उस स्मॉल कैप कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन लेट्स सपोज 4,000 करोड़ रुपीज की है। अब उसे इस स्मॉल कैप कंपनी में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, राइट, जो कि डेफिनेटली डिफिकल्ट है, और साथ ही इस पोजीशन को लिक्विडेट कर पाना भी तो चैलेंजिंग होगा ना। ऑल्सो स्मॉल कैप कंपनीज में मॉर्टैलिटी रेट भी हाई होता है। एग्जाम्पल 32% स्मॉल कैप कंपनीज जो कि 10 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, वो या तो कम्प्लीटली गायब ही हो चुकी हैं या तो अपने साइज में बहुत श्रिंक यानी कि छोटी हो गई हैं। ऑल्सो जैसे जैसे स्मॉल कैप फंड का साइज बढ़ता है, ये मजबूर हो जाता है अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ाने के लिए। चलिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जो स्मॉल कैप फंड में सबसे बड़ा है। सो निपॉन स्मॉल कैप फंड ने अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को दुगना कर दिया जब इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ा। जुलाई 2021 के ₹16,612 करोड़ से अब 30th सितंबर 2023 के ₹37,319 करोड़ हो गया है। इसके पोर्टफोलियो में करेंटली 194 स्टॉक्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है डेफिनेटली। इसके टॉप 10 स्टॉक्स इसके टोटल एसेट्स का सिर्फ 15% ही अकाउंट फॉर करते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी पोजीशंस हैं वो पोर्टफोलियो के 3% से भी कम अकाउंट फॉर करती है। सोचिए निपॉन स्मॉल कैप फंड डाइवर्सिफिकेशन पर भरोसा करता है, ना कि कुछ चंद स्टॉक्स पर हैवी या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेने पर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रोटेक्शन चाहता है, जिससे कि स्मॉल कैप सेगमेंट में अगर कुछ इसके आइडियाज फेल भी हो गए तो एटलीस्ट ये प्रोटेक्टेड तो रहेगा। तो अब समझते हैं कि क्या बहुत सारे स्टॉक्स रखने से लाइक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड क्या इसके परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाते हैं। वेल, यहाँ जनरल परसेप्शन ये कहता है कि बहुत ज़्यादा थिनली बेट्स स्प्रेड करने से यानी कि पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स ऐड करने से रिटर्न्स डाइल्यूट या फिर कम हो जाते हैं। लेकिन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने इंस्पायर्ड ऑफ हैविंग लॉन्ग टेल यानी कि पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स होने के बावजूद भी एक अच्छा परफॉर्मेंस ही दिया है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि कुछ स्टॉक्स जो लॉस सफर होता है, फंड पोर्टफोलियो के टॉप 20-25 बेट्स के जो विनर्स हैं वो उस लॉसेस को कंपनसेट कर देते हैं। तो फंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने से उसके रिटर्न्स डाइल्यूट नहीं होते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो में ज्यादा स्टॉक्स होने से रिटर्न्स बढ़ जाते हैं क्या? देखिए ग्लोबली इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच है, जिसे लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच के US बेस्ड मैगलिन फंड ने सेट किया है। इसने एक 1400 स्टॉक पोर्टफोलियो रन किया जिसने 13 साल के टर्म में ओवर 29% एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किया। पर अब हर इक्विटी फंड ऐसा हेल्दी रिकॉर्ड बोस्ट नहीं कर पाता है। वैसे तो कोई सही या फिर गलत अप्रोच नहीं होता है, यानी कि स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो में ज्यादा या फिर कम स्टॉक्स होना, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, दोनों इन्वेस्टमेंट स्टाइल काम कर सकती है। तो आइए समझते हैं कि जब वैल्यूएशंस हाई होते हैं और व्हेन द वैल्यूएशंस आर परसीव्ड टू बी हाई, तो क्यों कुछ म्यूचुअल फंड्स ने स्मॉल कैप फंड स्कीम्स लॉन्च की। रीजन नंबर 1, स्मॉल कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशंस कुछ एक्सपेंसिव लग सकती हैं, लेकिन कई स्मॉल कैप स्टॉक्स के बीच कुछ ही ऐसे हैं जिनमें मीनिंगफुल लिक्विडिटी और मार्केट कैपिटलाइजेशन है, नॉट ऑल। म्यूचुअल फंड्स उन स्मॉल कैप कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं जो कि फास्ट ग्रोइंग हो और जो रीजनेबली प्राइज्ड दिख रही हो। वो ऐसी कंपनीज को जल्दी ग्रैब करना चाहते हैं जिनके पास अच्छे आइडियाज हों, जिनकी बडिंग इन्वेस्टमेंट थीम्स हो। इससे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनके कंपाउंड होने का इन्हें फायदा मिल जाता है। नेक्स्ट रीजन नंबर 2, लार्ज कैप स्टॉक्स कुछ सेक्टर्स की तरफ स्क्यूड होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, ऑयल एंड गैस एक्सेट्रा। वहीं स्मॉल कैप्स भी स्क्यूड हैं, पर ये लार्ज कैप की तरह स्क्यूड नहीं है। ये उन सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ग्रो करना चाहता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जिसे नीचे लाना बहुत जरूरी है, और ऐसा तभी हो सकता है जब ये सेक्टर अपनी वेयरहाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को नीचे लाए। तो स्मॉल कैप स्पेस के इन नए सेक्टर्स में बहुत ज्यादा मोमेंटम होगा। देखिए अब अगला सवाल है कि क्या आपके पोर्टफोलियो के लिए स्मॉल कैप फंड्स सही हैं?
एक जनरल रूल ऑफ थंब की तरह एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि आपको अपने ओवरऑल इक्विटी पोर्टफोलियो का नॉट मोर देन 20% स्मॉल कैप फंड्स की तरफ एलोकेट करना चाहिए। ऑल्सो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा मेजर्ड तरीका है SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना। अब स्मॉल कैप फंड्स हायर रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन उनमें हायर रिस्क भी तो होते हैं ना। इस इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड ऑब्जर्व किया है फ्रेंड्स। दे कॉल इट अ ब्लॉकबस्टर ईयर, एक ऐसा साल जब स्मॉल कैप फंड्स हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं और उसके फॉलोइंग 2 ईयर्स जनरली कमजोर रहे हैं। सी, स्मॉल कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं है जिनको बहुत ही जल्दी जल्दी रिटर्न कमाने हैं। अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं जो कि स्मॉल कैप फंड्स को एक लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। रीसेंट महीनों में स्मॉल कैप फंड्स ने एक एक्सेप्शनल सर्ज एक्सपीरियंस किया है और इसने कई इन्वेस्टर्स को सरप्राइज्ड छोड़ दिया है। ये नोट करना बेहद इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल कैप यूनिवर्स में 4000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं। हाउएवर, इनमें से कई के अच्छे फंडामेंटल्स नहीं हैं और इस वजह से एनालिस्ट्स और मार्केट एक्सपर्ट्स इन्हें एक्टिवली ट्रैक भी नहीं करते। सिर्फ कुछ ही 100 स्टॉक्स की पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं, जैसे कि पैरामीटर्स लाइक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, लिक्विडिटी, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एटसेट्रा। ऑल्सो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स टू सेंसेक्स रेशियो अपने 10 साल के पीक पर है। ये रेशियो करेंटली एक 10 ईयर पीक ऑफ 0.57 पर खड़ा हुआ है। ये लेवल आखिरी बार 2018 में देखा गया था, जस्ट बिफोर मिड एंड स्मॉल कैप क्रैश ऑफ 2018-19। स्मॉल कैप स्टॉक्स इन पर्टिकुलर मार्केट सेंटिमेंट से काफी सेंसिटिव भी होते हैं। ये बुरी मार्केट कंडीशंस के दौरान मिड एंड लार्ज कैप स्टॉक्स से ज्यादा लोअर प्लंज कर सकते हैं। However, even though ये short term fluctuations face करते हैं, value research की एक study दिखाती है कि जिन small cap funds को 10 साल या उससे ज्यादा के लिए hold किया गया है, उनमें negative returns देने की probability कम हो जाती है। So, ये था आज के लिए। अगर आपको हमारा video helpful लगा है, तो please thumbs up देना मत भूलेगा और अपने दोस्तों के साथ अपने network में से जरूर share करेगा। ऐसे insightful content के लिए हमारे channel को subscribe कर लीजिएगा। Thank you for watching, happy investing, मिलते हैं next video में, bye! Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to Exchange Investor Redressal Forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।